और थोड़ा पेट्रोल है, पेट्रोल निकाल के हम ब्रिज के मदद से पूरा वो कार्बन पूरा निकाल देंगे सर। पेट्रोल लेना है, पूरा साफ कर देना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने देखा कि मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो मेनली प्रॉब्लम इसमें होगा। अगर आपका गाड़ी नया हो तो प्रॉब्लम स्पार्क प्लग में ही होगा। जैसे आपको मालूम है कि पेट्रोल पूरा कंबशन यानी कि पूरा ना जलने से पूरा काला काला हो जाता है इसके अंदर, जो हमें कार्बन बोलते हैं उसे। तो स्पार्क प्लग निकाल के वो कार्बन डिपॉजिट्स क्लीन करने वाले हैं, तो आपको दिखा देता हूँ। आपका जो भी गाड़ी हो, अपाची या पल्सर या एक्टिवा कोई भी हो, सेम प्रोसीजर है। तो बस स्टैंड इसी वे मैं आपको दिखा देता हूँ। यूट्यूब में बहुत वीडियोस है, पर ये बहुत सिंपल वीडियो है। तो ये स्पार्क प्लग निकालने के लिए आपको ऐसा घुमाना है, ऊपर का ये ऐसा बाहर आ जाएगा, सब बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद आपको ये स्पार्क प्लग निकालने का है। तो ये आपको सभी बाइकों में टूल किट में मिल जाएगा, नहीं तो बाहर शॉप से भी खरीद सकते हैं 10-20 रुपये में। स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको घुमाना है ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि पर मेरा बॉश का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा बॉश का बना है। तो यहाँ टिप में पूरा एकदम काला हो चुका है, तो अपन ये पूरा क्लीन करना है सैंड पेपर की मदद से। अगर आपका नया गाड़ी है तो आप क्लीन करके फिर लगा सकते हैं। अगर आपका बहुत पुराना है तो नया खरीदना का ही अच्छा है। तो बॉश है बेस्ट स्पार्क प्लग मिलता है आपको, अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा है। तो स्पार्क प्लग क्लीन करने के लिए आपको ये सब ज़रूरत पड़ेगी, ये एक ब्रश और ये सैंड पेपर, थोड़ा पेट्रोल, ये दोनों स्क्रू ड्राइवर और ये पाना। तो सैंड पेपर के मदद से हम ये टिप ऐसा पूरा क्लीन कर देंगे एकदम। तो क्या होता है कि पूरा ये कार्बन निकल जाएगा और पेट्रोल थोड़े डालने से पूरा एकदम लूज़ हो जाएगा और एकदम क्लीन हो जाएगा। तो पहले अपन ये पूरा डस्ट पूरा साफ करते हैं कपड़े से, स्मूथ कपड़े निकाल के। पूरा इसमें से डस्ट है तो पूरा मैं साफ कर दे रहा हूँ। और थोड़ा पेट्रोल है, पेट्रोल निकाल के हम ब्रश के मदद से पूरा वो कार्बन पूरा निकाल देंगे। थोड़ा लेना है आपको। सैंड पेपर थोड़ा ऐसा काट लिया थोड़ा पीस, और इससे पूरा मैं साफ करने वाला हूँ सैंड पेपर से। पूरा ये टिप भी आप पूरा एक साफ एकदम साफ करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पार्क आता है। आपका डुअर स्पार्क है तो दोनों साइड में भी अच्छा से क्लीन करो, क्योंकि ये दोनों साइड में स्पार्क आता है। आप देख सकते हैं कि मैं पूरा सैंड पेपर का मदद से पूरा एकदम क्लीन कर दिया। आप देख सकते हैं कार्बन काला रंग पूरा चला गया, एकदम नया दिख रहा है अभी। तो आप भी ऐसा ही आपका स्पार्क प्लग क्लीन कर सकते हैं सैंड पेपर की मदद से, और पेट्रोल डाल के ब्रश के मदद से पूरा एकदम क्लीन करने से जो भी लूज कार्बन है वो भी बाहर आ जाएगा। तो आप थोड़ा ग्रीस यहाँ थ्रेडिंग के ऊपर लगा दो, ताकि आप जब आप फिर से निकालने वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो।
रस्ट पूरा ना हो, इसलिए थोड़ा लाइटली थोड़ा ग्रीस लगा दो यहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सा ग्रीस यहाँ लगा दिया है और यहाँ अंदर डाल के पूरा टाइट करना है। तो टाइट करने वक्त ज़्यादा टॉर्क नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करा तो टिप टूट के अंदर हेड के अंदर गिर जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं होगा। तो एकदम हल्का से आपको टाइट करना है। अब जब आप टाइट करते हैं तो जस्ट आराम से टाइट करिएगा, ज़्यादा मत टॉर्क मत लगाइएगा। तो ये कैप आप फिर से वापस लगा दीजिएगा, ऐसा एकदम घुमा घुमा के अंदर घुसाना है। तो जब मैंने पूरा स्पार्क प्लग लगा के पूरा टाइट कर दिया तभी मेरा बैटरी डेड हो गया था, तो मुझे कंक्लूशन रिकॉर्ड करना चांस ही नहीं मिला। तो बाद में मैं फ़ोन चार्ज करके फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मेरा शर्ट का शर्ट दूसरा है, हैट पहना है, सब चेंज हो गया इसलिए। तो गाइस ये था एक सिंपल सी वीडियो कैसे अपने आपको स्पार्क प्लग क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, पहले थोड़ा ब्रश से दो पेट्रोल मिला के थोड़ा क्लीन करो, फिर सैंडपेपर से क्लीन करो, फिर पेट्रोल से फिर वापस क्लीन करो, तो पूरा एकदम क्लीन हो जाएगा, बहुत आसान है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक दे देना और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जिनको बाइक्स के ऊपर बहुत इंटरेस्ट होगा, उन लोगों को भी शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी ये समझ में आए कैसा इजीली क्लीन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय। और एक बात, आपको कोई डाउट्स है या सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं पढ़ के आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ये नाइकी का हैट बनाया मैंने।